आपने दी है कोई प्रतियोगी परीक्षा और आपको लगता है कि आपके नंबर आने चाहिए ज़्यादा और नंबर आए हैं कम, या आपको कर दिया गया है फेल। जी हाँ, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे वो किसी विद्यालय में एडमिशन की परीक्षा हो, आर्मी, बैंक, किसी की भी परीक्षा हो, आपने कोई परीक्षा दी है, या आपका गांव में कोई जो तमाम नौकरियां विकास भवन से निकलती हैं या विकास खंड से निकलती हैं, वहाँ आपने गांव स्तर पर कोई भी परीक्षा, सफाई कर्मचारी से लेकर कोई भी परीक्षा आपने दी है, आपको लगता है कि आपको उत्तीर्ण होना था लेकिन आप उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, आपको लगता है कि आपके साथ भेदभाव किया गया, जानबूझकर आपके नंबर कम दिए गए, आपको फेल कर दिया गया, ऐसे में कई बार मन में सवाल आता है कि क्या इस चीज़ को हम RTI में उठा सकते हैं। पिछले कई दिनों से कुछ साथी हैं लगातार सवाल लिख रहे हैं और इस टॉपिक पर मुझसे एक लीगल ओपिनियन, लीगल राय मांग रहे हैं, और जब लीगल ओपिनियन, लीगल राय मांगी तो हमने भी थोड़ा स्टडी किया और हमने सोचा कि इस विषय पर भी आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाए और बताया जाए कि ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आपका कानूनन अधिकार क्या है, क्या चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी इस परीक्षा की जो आपका जो रिजल्ट है उसको उजागर कर सकते हैं, अपने आप जान सकते हैं आपको कितने नंबर मिले हैं साक्षात्कार में, कितने मिले हैं लिखित परीक्षा में, रिटन में, कितने मेडिकल में, कितने फिटनेस में, तमाम चीज़ें आप कैसे पता कर सकते हैं, और RTI की वो कौन सी धारा है, कौन सा वो प्रावधान है जिसके तहत आपको ऐसा करने की आज़ादी है, ये आपका अधिकार है। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए, अब मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट, आपका चौधरी लीगल एसोसिएट पर स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। साथ ही मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको ऑल पर आप लोग सेलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारे लीगल वीडियोस जैसे ही अपलोड हों उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो को देख पाएँ। इसके साथ मैं एक और छोटा सा निवेदन आपसे करना चाहूँगा, हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट जो है, इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज दोनों ही चौधरी लीगल एसोसिएट्स के नाम से हैं, आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएगा, आप हमारे लिंक पर जाकर या सीधे भी आप चौधरी लीगल एसोसिएट टाइप करके फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप वहाँ जा सकते हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में। अब मैं आपको सीधे आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, वहाँ पर लेकर चलता हूँ। कुछ साथी हैं कई दिन से लगातार सवाल लिख रहे हैं, कई महीने हो गए कुछ लोगों को लिखते हुए, कि उन्होंने नौकरी में कहीं किसी विभाग में फॉर्म भरा, परीक्षा दी, उनका पेपर बहुत अच्छा गया, उनका लिखित परीक्षा बहुत अच्छा हुआ, उनका साक्षात्कार इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, या उनकी तमाम जो परीक्षाएं थी और मेडिकल हो, फिटनेस हो, या और भी कोई परीक्षाएं होती हैं बहुत अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनको नंबर कम दिए गए, जानबूझकर उनको फेल कर दिया गया, पेपर में सेटिंग हो गई इसलिए उनको जानबूझकर फेल कर दिया गया। ऐसे में कई बार आवेदक जो है अपनी जो भर्ती प्रक्रिया होती है, भर्ती प्रक्रिया के बारे में RTI का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको पूरी जानकारी ना होने के कारण उस RTI में कुछ कमियां रह जाती हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर सूचनाएं नहीं मिल पाती RTI में अपनी परीक्षा के संबंधित, और आपका लेटर या तो खारिज कर दिया जाता है या अधूरी सूचनाएं देकर आपको लेटर भेज दिया जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो आपने मांगा वो तो आपको नहीं मिला, और जब तक जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा तो आप ये कैसे बता पाएंगे कि आपको कितने नंबर मिले हैं, आप कितने नंबर को डिजर्व करते हैं, आपको कितने नंबर मिलने चाहिए, और आपके साथ पक्षपात हुआ है, आपको जानबूझकर फेल किया गया है, ये कैसे होगा। तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छा केस डिस्कस करूंगा इस मामले पर, केस बहुत शानदार है और मुझे लगता है कि इस केस को आप लोग अगर गौर से सुनेंगे तो ऐसे आने वाली अपनी कोई भी समस्या या अपने परिवार में या अपने आसपास के समाज में ऐसी कोई भी समस्या आएगी तो आप इस वीडियो की सहायता से उस समस्या को सॉल्व कर पाएंगे, संबंधित व्यक्ति की मदद कर पाएंगे। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस केस में एक अभ्यर्थी जो थे उन्होंने किसी विभाग में कोई परीक्षा दी अपनी, और जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में उनको फेल कर दिया गया, क्योंकि वो एक होनहार छात्र थे, होनहार स्टूडेंट थे, उनको पूरा अंदेशा था कि नहीं मैं सेलेक्ट हो ही जाऊंगा। जब इस तरीके का रिजल्ट आया तो रिजल्ट जब आया तो उन्होंने उनको लगा कि यार कहीं ना कहीं कुछ गलत है, क्यों ना मैं अपने कॉपी और इंटरव्यूज़ में मुझे कितने नंबर मिले हैं, साक्षात्कार में क्या मिला है, रिटन परीक्षा में कितने नंबर मिले हैं, स्क्रीनिंग में क्या मिला, और मेडिकल्स में कितने नंबर मिले हैं, इन सब को लेकर के उन्होंने RTI फाइल किया। जो RTI उन्होंने फाइल किया उस RTI को डिसमिस कर दिया गया, उस RTI को सेक्शन 81J कह करके एक प्रक्रिया बताई और विभागीय प्रक्रिया को उजागर नहीं कर सकते हैं ऐसा लिखा, और लेटर को डिसमिस कर दिया, कैंसिल कर दिया, खारिज कर दिया, जिससे आवेदक को काफ़ी धक्का लगा। लेकिन आवेदक ने फिर उसकी प्रथम अपील की, प्रथम अपील में भी संतुष्टिपूर्वक जवाब न मिलने पर सेकंड अपील कमीशन में की।
जब सेकंड अपील कमीशन में गई तो कमीशन ने भी जो जनसूचना अधिकारी ने कहा था उसी बात को दोहराते हुए कहा कि एक प्रक्रिया है और किसी विभागीय प्रक्रिया को उजागर नहीं कर सकते हम, और आपको कितने नंबर मिले आपको नहीं बता सकते। संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जब कमीशन ने आदेश दे दिया तो संबंधित व्यक्ति ने माननीय न्यायालय की शरण ली और इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय में हाईकोर्ट में एक रिट दाखिल की गई, और जब रिट दाखिल हुई तो माननीय हाईकोर्ट ने जब दोनों पक्षों को सुना, उस दोनों पक्षों के सुनने के बाद माननीय हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया बहुत महत्वपूर्ण आदेश था, आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। जितने भी लोग किसी भी परीक्षा की, चाहे वो स्कूल के एडमिशन की परीक्षा हो, आपकी नौकरी की परीक्षा हो, किसी परीक्षा में आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको गौर से सुने। तो माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि किसी अभ्यर्थी के चयन प्रक्रिया, किसी भी अभ्यर्थी की चयन की जो प्रक्रिया होगी उसकी जो साक्षात्कार या जो अन्य चीज़ें जो मेडिकल वगैरह होंगे उनके, उसको कितने अंक मिले हैं व अन्य जो सूचनाएं होंगी उसकी इस नौकरी या उसके इस एडमिशन से संबंधित, वो सारी सूचनाएं आपको देनी पड़ेंगी। वो सारी सूचनाएं आरटीआई की धारा 81J व धारा 11 जो है सेक्शन 11, ये दोनों धाराएं जो हैं इनको नहीं रोकती हैं, इनका वायलेशन नहीं करती हैं, इन दोनों धाराओं का कोई भी प्रतिरोध इन पर नहीं है, बिल्कुल भी रोक नहीं लगाती हैं। तो जब ये धाराएं इन पर रोक नहीं लगाती हैं तो ऐसी आपको जो भी सूचनाएं आएंगी आपके पास, आवेदन जो आएंगे आपको सूचनाएं देनी ही होंगी। तो माननीय हाईकोर्ट का ये आदेश बड़ा महत्वपूर्ण है सभी, आज के खासकर आज का जो समय चल रहा है उसको देखते हुए। तो आप लोग इसका जो साइटेशन है, केस का शीर्षक आप लोग नोट कर लीजिए, मैं बता देता हूँ। इस केस का जो शीर्षक है वो ये है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेस SIC, ये विभाग का नाम है, और ये AIR की बुक है, उसमें 2009 का ये केस है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का केस है और पेज नंबर AIR में 14 है। दोबारा सुन लीजिए, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेस SIC, 2009 का ये केस है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का, और AIR की बुक में 14 नंबर पेज पर इसको बताया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आप लोग बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट्स के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।